हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज लास्ट चैप्टर में मतलब लास्ट टॉपिक में हमने जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने कंसीडर कर लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी। उसमें हमने मोस्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड, हाँ, लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट करने से पहले, इस पर्टिकुलर मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए नेसेसिटी है। अब तक जो हमने पढ़ा उसके फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग कि अलाउएबल स्ट्रेंथ क्या होती है। अलाउएबल स्ट्रेंथ स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड और स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने निकाली थी, दैट इज एफसीके। अब ध्यान देना कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके है, उसको हम फर्दर हम देखते हैं कि उसको कंसीडर जो किया जाता है वो दैट इज 0.67 एफसीके कंसीडर किया जाता है। 0.67 एफसीके क्यों कंसीडर किया जाता है, उसके पीछे कुछ रीजन है, ध्यान से समझना। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को निकाला था एफसीके को, तब हमने बात की थी कि ये एक 150 mm का एक क्यूब बनाएंगे, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस बनाई थी। उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए टेस्टिंग का, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 90%। और जो लोड होता है, ध्यान दोगे तो जो लोड लगता है वो टॉप और बॉटम से दोनों प्लेट के बीच में इसको रखा जाता है। मतलब एक प्लेट इधर होती है और एक प्लेट इधर होती है, दोनों के बीच में इस क्यूब को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर होने अप्लाई होने वाला जो लोड है वो एक तरीके से कन्फाइन हो गया, कन्फाइन और प्योरली कंप्रेसिव लोड हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से इस पर लोड लग रहा है। बट एक्चुअल लाइफ में जितने भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि प्योरली कंप्रेसिव लोड आए, जरूरी नहीं है। क्योंकि देखते हो आप, जब भी स्लैब जो बनाई जाती है या फिर बीम बनाई जाती है, तो उसमें होता क्या है कि बीम या स्लैब में, जो बीम या स्लैब की बात कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि प्योरली, जरूरी नहीं कि प्योरली कंप्रेसिव लोड आए, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, हम जो डिजाइन करने जा रहे हैं वो दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर को, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर को। ये जो बात कर रहे हैं हम सारी फ्लेक्सर की कर रहे हैं। फ्लेक्सर का मतलब क्या हो गया, बेंडिंग में। और बेंडिंग में ड्यू टू, देखना ध्यान से, स्लैब के टॉप, मतलब अगर हम स्लैब की बात करें तो वो क्या रहती है, अगर हम टॉप रूफ स्लैब की बात करें तो उसके ऊपर देखना, इधर से वो साइड में सपोर्ट रहता है उसके, बट ये वाला जो पोर्शन है ये इजीली ये डिफॉर्मेबल है। तो इसीलिए क्या हम इस पर ओनली कंप्रेसिव लोड आ रहा है, जरूरी नहीं है। इस पर टेंशन भी आ सकती है, इस पर शियर भी आ सकता है, इस पर टॉर्शन भी आ सकता है, और एनी अदर टाइप ऑफ लोडिंग आ सकती है। इसीलिए क्या किया जाता है, इस एफसीके को कंसीडर किया जाता है, एफसीके डिवाइड बाय 1.5, दैट इज 0.67 एफसीके, ये कंसीडर किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर। यहां तक बात समझ आई, इन फ्लेक्सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को फ्लेक्सर में कितना कंसीडर किया जाएगा, 0.67 एफसीके। अब हम बात करेंगे कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 0.67 एफसीके है तो हमारे पास अलाउएबल स्ट्रेंथ कितनी होगी, या जिस स्ट्रेंथ के लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं फ्लेक्सर में, वो कितना होगा। अब ध्यान देना, इस स्ट्रेंथ को कम करने का रीजन क्या था, क्या आप जब स्लैब बनाते हो तो उस टाइम स्टैंडर्ड टेम्परेचर वहां मेंटेन कर सकते हो, तो आपने लैब में किया था, दैट इज 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आप वो ह्यूमिडिटी, जरूरी नहीं है कि ह्यूमिडिटी 90% मेंटेन हो ही पाए, क्लियर है। तो इसी है, इसकी स्ट्रेंथ को, सारे इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, हम स्ट्रेंथ को क्या कर लेते हैं, 0.67 एफसीके कंसीडर कर लेते हैं। अब उसके बाद में देखना डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी आ जाती है, इन केस ऑफ फ्लेक्सर दैट इज 0.67 एफसीके। तो हम अब बात कर रहे हैं अलाउएबल स्ट्रेंथ की, अलाउएबल स्ट्रेंथ कितनी होगी कंक्रीट की। तो अलाउएबल स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाई
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यहां दी गई है कंक्रीट के लिए वो ओनली वो उस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या बोलेंगे, मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वो किसके लिए लगाई गई है, मटेरियल के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई गई है। तो देखना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होती है इन केस ऑफ फ्लेक्सर 0.67 एफसीके और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है 1.5 और इसका जब हम यहां से रिजल्ट निकालते हैं दैट इज 0.446 एफसीके और इसको जनरली हम जो पढ़ते हैं दैट इज 0.45 एफसीके जो कोड ने कंसीडर किया है। इसी स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसी को क्या बोलेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। पूछ सकता है एग्जाम में कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे देगा और उसके लिए आपसे ये पूछा जाए कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर कितनी होगी, तो आप उसका क्या निकाल दोगे 0.45 एफसीके। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर बात करें फॉर एग्जांपल कि M20 ग्रेड के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0.45 × 20 दैट इज 9 MPa। ये इसके लिए क्या हो जाएगी, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर हो जाएगी। अब इसके बाद सिमिलरली अगर हम स्टील के लिए बात करें तो स्टील के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, Fy जो हम बात भी कर चुके हैं वो इसके लिए उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो स्टील के लिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी या अलाउबल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, अलाउबल स्ट्रेंथ फॉर स्टील दैट इज क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हाँ देखना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिस पर उसके बाद मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ स्टील के लिए क्या कंसीडर की जाती है दैट इज एफ वाई उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस केस में क्या होता है 1.15। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 0.87 Fy। अब आपसे कभी भी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पूछ ले तो आप Fy की वैल्यू रख दो और उसको 0.87 Fy से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या रेनफोर्समेंट जो भी आपको क्वेश्चन दे। क्लियर है यहां तक। अब आपने ध्यान से देखा कि स्टील के लिए जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसकी वैल्यू कितनी है 1.15 और सिमिलरली अगर कंक्रीट के लिए बात करोगे तो ये वैल्यू कितनी है 1.5। तो अब दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ज्यादा क्यों ली गई। तो देखना ध्यान से कि मान लो स्टील के लिए स्टील पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.15 एंड कंक्रीट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों रखी है उसका रीजन समझ। क्या होता है जब हम कंक्रीट बनाते हैं, जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट पर जैसे इन्वायरमेंटल हमारा कंट्रोल नहीं होता है, कंक्रीट को हम स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हैं कंक्रीट को, क्योंकि साइट पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंक्रीट का जो मैन्युफैक्चरिंग है मतलब कंक्रीट का जो मिक्सर बनाया जाता है वो कहां बनाया जाता है, साइट पर बनाया जाता है, इसीलिए हम यहां पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे जरूरी नहीं है कि इसकी प्रॉपर मिक्सिंग हुई हुई हो, जैसा स्टैंडर्ड मिक्सिंग होती है वैसा होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड मिक्सिंग इसका वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर हो वो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसीलिए उन्हीं सब चीजों से बचने के लिए कंक्रीट पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है, जबकि स्टील जो होता है फैक्ट्री मेड होता है, फैक्ट्री मेड होने के कारण से उस पर हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए फॉर बेटर क्वालिटी कंट्रोल मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज हाई बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल डज नॉट मेंटेन ऑन कंक्रीट एट द साइट, कंक्रीट पर हम क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहां तक हमने दोनों मटेरियल के डिजाइन स्ट्रेंथ की बात की, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की डिजाइन लोड क्या होता है। ठीक है, डिजाइन लोड, क्योंकि आगे जब आप डिजाइन करोगे किसी भी स्ट्रक्चर को तब आप डिजाइन लोड की बात करोगे। तो
सबसे पहले हम डिजाइन लोड की बात करते हैं। डिजाइन लोड क्या होता है? डिजाइन लोड होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप वर्किंग लोड या कैरेक्टरिस्टिक लोड से मल्टीप्लाई कर दो। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाई कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब बात आती है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है। क्लियर है? डिजाइन लोड हो जाएगा तो फाइनली इससे मल्टीप्लाई करने के बाद होगा, और जो लोड एक्चुअली स्ट्रक्चर पर आ रहा है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब हम बात करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम बात करेंगे आगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड की। तो देखना ध्यान से, आगे जाके हम लिमिट स्टेट के दो टाइप पढ़ेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए कोड ने अलग अलग क्राइटेरिया दिए हैं, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अलग अलग क्राइटेरिया दिए हैं। तो देखना ध्यान से, यहां पर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट इधर हेडिंग लगा रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और ये जो हेडिंग है वो है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्लियर है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। यहां पर हम बात करेंगे लोड के कॉम्बिनेशन की, लोड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। अब बात करते हैं यहां पर फर्स्ट वन, ये जो पार्ट है देखना, ये डेड लोड हो सकता है या लाइव लोड आ सकता है या विंड लोड ऑब्लिक अर्थ के लोड। यहां पर भी डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। ध्यान से देखना, इसमें हम बात करेंगे कि विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड क्यों लिखा गया। पहली चीज ध्यान देना, कभी भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते। क्लियर है? हम ये ध्यान रखते हैं क्योंकि एट ए टाइम दोनों का साइमल्टेनियसली आने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसीलिए इनमें से जो भी ज्यादा वैल्यू रहती है उस जोन के लिए उसको कंसिडर कर लिया जाता है और उससे डिजाइन कर लेते हैं। हम इसके पीछे एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है? देखना ध्यान से। अब बात करते हैं डेड लोड, जो इनका कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन हमने कॉम्बिनेशन बनाया डेड लोड प्लस लाइव लोड, फिर सेकेंड कॉम्बिनेशन ये बन सकता है डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। एंड थर्ड वन कॉम्बिनेशन बन सकता है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, ये कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं। तो ध्यान देना, ये तीन कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं, देखो डेड लोड तो कॉन्स्टेंट रहेगा, जब तक स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं तो बाकी लोड का कोई भी नहीं है, तो इसीलिए डेड लोड तो हर एक में आएगा ही आएगा, ठीक है? लाइव लोड जरूरी नहीं है कि लाइव लोड आए स्ट्रक्चर में, बना के छोड़ दिया किसी ने घर, उसमें कोई रह ही नहीं रहा तो लाइव लोड कहां से आएगा? कोई भी स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया उस पर लाइव लोड नहीं आएगा। तो इसीलिए जैसे विंड लोड और अर्थक्वेक लोड तो वो तो कंटिन्यूसली आ सकते हैं, जरूरी नहीं है बहुत छोटा सा घर बनाया या बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया उस पर डेड लोड और लाइव लोड है, क्योंकि अर्थ का इफेक्ट हम पर्टिकुलर हाइट के बाद कंसिडर करते हैं। तो देखना इनके लिए क्या दिया गया है कोड ने, कॉम्बिनेशन 1.5, इसके लिए कॉम्बिनेशन दिया गया 1.5 एंड 1.5, इसके लिए दिया गया 1.2 एंड 1.2। यहां पर बात करते हैं ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए ये बताया गया जब डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डेड लोड के लिए 1.5 और लाइव लोड के लिए 1.5 काम में ले लेते हैं। अब आगे डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड होगा तो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रहेगी, डेड लोड के लिए 1.5 और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए 1.5। अब अगर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, मतलब तीनों लोड एक साथ आ रहे हैं, तो उस टाइम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी, 1.2। अब इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केस में 1:1, यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है? इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगी 1, यहां पर हो जाएगी 1.08। अब देखना ध्यान से, जब आप देखते हो इस तरीके के स्ट्रक्चर, तो यहां पर आपको ऐसा एक कोड के अंदर एक ऐसा ऑब्लिक लगा के यहां पर वैल्यू लिखी हुई मिलेगी 0.9 स्टार, एक ऐसी वैल्यू मिलेगी।
इसकी भी हम बात करेंगे 0.9 स्टार क्या होता है। तो देखना ये कुछ ऐसी टेबल दी गई है लोड के कॉम्बिनेशन की, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 0.9 स्टार का मतलब क्या है। तो देखना ध्यान से, यहां पर हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो आपको दे दिया गया फॉर एग्जाम्पल डेड लोड दे दिया गया 20 किलो न्यूटन, लाइव लोड दे दिया गया आपको 50 किलो न्यूटन, एंड आपको विंड लोड या विंड लोड दे दिया गया 10 किलो न्यूटन, अर्थक्वेक लोड दे दिया गया 20 किलो न्यूटन, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। अब आपको ये बोला गया कि आप कैलकुलेट डिजाइन लोड, आपको डिजाइन लोड निकालना है। तो डिजाइन लोड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप तीनों प्रोबेबिलिटी लेके चलोगे। इसका मतलब जब आप निकालोगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डिजाइन लोड इज क्या हो, तो वो हमें निकालना है। तो डिजाइन लोड निकालने के लिए मैं यहां से ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, देखना ध्यान से। इसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये वाला फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों का कॉम्बिनेशन। डेड लोड को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, और लाइव लोड को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। तो यहां से अगर हम निकालेंगे डेड लोड प्लस लाइव लोड इक्वल टू क्या बन रहा है, डेड लोड कितना है 20, लाइव लोड कितना है 50, 1.5 × 20 + 1.5 × 50। यहां से हम निकालेंगे तो ये तो 30 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, मतलब 105 किलो न्यूटन, दैट इज दैट, ये हमारे पास लोड आ गया। अब कभी कभी हम ये मान सकते हैं हाँ ये किलो न्यूटन पर मीटर में भी लोड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जनरल जो लोड होगा वो लोड इंटेंसिटी गिवन होगी। तो यहां पर हमारा आंसर किसमें आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में। और यहां पर अगर मोमेंट दे रखा हो ड्यू टू डेड लोड, तो यहां पर क्या दे देगा 20 किलो न्यूटन मीटर, लाइव लोड क्या दे देगा, लाइव लोड के कारण से जो मोमेंट दे देगा 50 किलो न्यूटन मीटर, बस यूनिट चेंज हो जाएगी, डेटा कोई भी हो सकता है। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन से हमारे पास रिजल्ट आते हैं 105 किलो न्यूटन पर मीटर। सेकंड इससे निकालते हैं, ये क्या है, डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। ध्यान से देखना, डेड लोड प्लस, अब ये बताओ यहां पर जो लोड कंसिडर करना है वो विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में से कोई एक लोड कंसिडर होगा, और वो क्या कौन सा कंसिडर होगा जो इसमें से वैल्यू ज्यादा होगी, इसमें से वैल्यू ज्यादा कौन सी है, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड ज्यादा दिख रहा है तो हम इसी को कंसिडर करेंगे, दैट इज 1.5 × कौन सा डेड लोड 20 प्लस 1.5 × 20, तो कितना हो जाएगा यहां से 30 + 30 60 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया। थर्ड वाले केस से निकालते हैं, दैट इज देखना ध्यान से, अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है। तो हमारा जो लोड यहां पर कंसिडर हुआ वो विंड लोड, वो अर्थक्वेक लोड कंसिडर हुआ, तो यहां पर भी क्या होगा अर्थक्वेक लोड, क्योंकि वैल्यू क्या है इसी की ज्यादा है। तो देखना ध्यान से, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, तो देखना 1.2 × 20 + 1.2 × 50 + 1.2 × ये कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। ये कितना हो जाएगा यहां पर 24 + 60 + 24, क्लियर है। तो यहां पर कितना हो गया 60 + 84, और ये कितना हो गया 108 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ध्यान देना, अगर हम यहां से देखते हैं तो इन तीनों में से जो तीनों डेटा में से जो मैक्सिमम जो डेटा आएगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेड लोड, इस लोड कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और वही आपका क्या हो जाएगा डिजाइन लोड हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, डिजाइन लोड इज 108 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड कॉम्बिनेशन, क्लियर है यहां तक, ये चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस 0.9 का क्या मतलब है। तो देखना, इस 0.9 का क्या मीन है, इसको हम देखते हैं। ये 0.9 है बेसिकली ओवरटर्निंग के लिए काम में लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर
कोई भी स्ट्रक्चर है वो 90% वेट पर सेफ है, तो वो श्योरली एंड श्योरली उसको जब 100% वेट के लिए बनाया जाएगा तो वो उस पर भी क्या होगा, सेफ होगा, उसकी 90% की मार्जिन को लेके चलते हैं। तो देखना ध्यान से, क्यों इसमें डेड लोड को 0.9 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेड लोड जो भी होता है वो किसके कारण से होता है, ड्यू टू वेट, वेट कंपोनेंट के कारण से डेड लोड होता है। तो वेट कंपोनेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट जो कंसिडर कर रहे हैं वो 90% वेट ही कंसिडर कर रहे हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर इस पर सेफ है तो इसका मतलब उसको जो एक्चुअल जिस वेट पर बनाया जा रहा है उस पर भी वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा। अब बात आती है कि डेड लोड ही क्यों उसको सेफ बनाता है। तो देखना, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं डेड लोड प्लस विंड लोड ऑफ द अर्थक्वेक लोड का। मान लो कोई वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, मान लो कोई वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जैसे कि डैम। डैम में क्या होता है, इस साइड मान लो पानी था, ठीक है। या आप वैसे इरिगेशन में भी आप चैप्टर पढ़ोगे या जहां पर आपको डैम पढ़ाया जाएगा वहां पर आप ये चीज देखोगे कि यहां से इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स आता है, क्लियर है। यहां से इस पर एक अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, अपलिफ्ट प्रेशर लगता है ऊपर की डायरेक्शन में, क्लियर है। ये सब आप उसमें डिटेल में देखोगे। एंड थर्ड वन दैट कंपोनेंट इज दिस वन इज वेट कंपोनेंट। ये क्या बता रहा है, वेट ऑफ द डैम या वेट ऑफ द रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अब देखो होता क्या है कि स्ट्रक्चर इस पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न करता है, स्ट्रक्चर इस पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न करता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो इसके अबाउट एक ऐसा मोमेंट जनरेट करता है। एंड दिस प्रेशर इज ऑल्सो जनरेट मोमेंट लाइक दिस, एंड द वेट कंपोनेंट जनरेट ए मोमेंट लाइक दिस। ये दोनों जो मोमेंट आए हैं ड्यू टू प्रेशर फोर्स एंड ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर, ये दोनों ही किसमें कंसिडर होंगे, ओवर टर्निंग मोमेंट में, एम ओ, इसको हम एम ओ देते हैं। और ये जो जनरेट हो रहा है ड्यू टू वेट कंपोनेंट, ये किसमें कंसिडर होगा, रेजिस्टिंग कंपोनेंट में। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है इन अगेंस्ट अगेंस्ट ऑफ ओवर टर्निंग मोमेंट। तो इसीलिए यहां पर हम इस स्ट्रक्चर को ये मान के चलते हैं, स्ट्रक्चर अगर 90% वेट पर सेफ है तो वो 100% वेट पर श्योरली सेफ होगा। ये यहां तक तो हमने बात की कि जो टोटल ये डेटा का मीन क्या था, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे, लिमिट स्टेट, मतलब लिमिट स्टेट होता क्या है और लिमिट स्टेट के अजम्पशन क्या क्या है, अलग अलग जो कंसिडरेशन है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।